बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास, दिस इज़ योर ऑनलाइन क्लास ऑफ इंग्लिश। एज़ यू ऑल नो दैट वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीट आवर ग्रामेटिकल सिलेबस ऑफ इंग्लिश एंड टुडे वी आर गोइंग टू टीच आई एम गोइंग टू टीच यू लेसन नंबर 3। लाइक एज़ यू ऑल नो दैट वी हैव कंप्लीट आवर फर्स्ट टू लेसन, दैट फर्स्ट लेसन इज़ ग्रेसफुल स्वान, ये चैप्टर भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, एंड आवर सेकेंड लेसन इज़ द प्राउड रेड रोज, ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू लेसन नंबर 3, दैट इज़ द मॉस्क्स ऑफ पाकिस्तान। वन मोर थिंग फोर क्लास, हमेशा मॉस्क पढ़ने की बजाय मस्जिद पढ़ा करें, और आपके लेसन में जहाँ कहीं भी मॉस्क लिखा आएगा मैं उसको मस्जिद ही पढ़ूंगी, तो आप भी रीडिंग के दौरान उसको मस्जिद ही पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इट, कि मॉस्क ना नहीं पढ़ते, मस्जिद पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन नंबर 3 अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दिस इज़ द नेम ऑफ द लेसन इज़ द मस्जिद ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की मस्जिदें। देखिए जी, कुछ मस्जिदें ऐसी भी हैं जो कि आपने देखी हुई हैं, जैसे अगर मैं लाहौर की बात करूँ तो लाहौर में बादशाही मस्जिद है जो कि बहुत से बच्चों ने देखी हुई है। बादशाही मस्जिद वैसे एक हिस्टोरिकल पॉइंट भी है और एक विज़िटर पॉइंट भी है, कि बहुत दूर दूर से लोग, इवन के जो हमारे मुल्क में नहीं भी रहते, जो बाहर के मुल्कों से आते हैं अब्रॉड पीपल, वो भी बादशाही मस्जिद देखने जाते हैं। तो बादशाही मस्जिद का एक नाम है, एक उसकी इज्जत है, एक रिगार्ड है, तो एवरी वन लाइक इट वेरी मच, तो हर किसी को बहुत पसंद आती है। एक तो वो इतनी बड़ी है कि अगर उस सारी का भी आप उस सबको सारी बादशाही मस्जिद को भी आप देखना चाहें तो आप नहीं देख सकते, कोई ना कोई आपका कॉर्नर रह जाएगा देखने वाला, इतनी बड़ी है। तो लेट वी हैव स्टार्टेड आवर रीडिंग, इसमें आपको बहुत सी मस्जिदों के बारे में बताया जाएगा। बादशाही मस्जिद जो कि आपको नज़र आ रही है, हेयर इट इज़, दिस इज़ द बादशाही मस्जिद, नीचे आपको नज़र आ रही है फैसल मस्जिद, फैसलाबाद में नहीं है, बेसिकली ये इस्लामाबाद में है, लेकिन इसका नाम फैसल मस्जिद है। लेकिन ये क्यों है ऐसा, तो हम उसके बारे में आपको मैं साथ साथ बता चल जाऊँगी कि इसका नाम फैसल मस्जिद क्यों रखा गया। उसके अलावा मोहब्बत खान मस्जिद है जो कि पेशावर में मौजूद है, ये भी बहुत फेमस मस्जिद है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मोहब्बत खान मस्जिद, दिस इज़ नॉट द ओरिजिनल पिक्चर एक्चुअली, दिस इज़ द पेंटिंग। सो ऑल ऑफ यू, इफ़ यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट, सो लेट मी शेयर योर थाट्स अबाउट मी। ओके, क्लास में होते तो हम एक दूसरे के साथ अपने थॉट्स शेयर करते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपना कोई भी थॉट, या आप कुछ भी रिकॉर्ड करके, वीडियो रिकॉर्ड करके आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं वो जो व्यूज़ हैं आपके, जो थॉट्स हैं, वो बेसिकली यूट्यूब पर मैं भी अपलोड कर सकूँ, क्योंकि हर बच्चे का अपना अपना व्यू होता है, कोई किसी ने कहीं की कौन सी जगह फिरी होती है, कोई कहीं गया होता है, तो ये सारे व्यूज़ होते हैं। आपके पास अगर कोई भी ऐसा है, कोई ऐसी मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आप कहीं गए और आपके साथ वहाँ पे क्या क्या हुआ, आपने क्या क्या देखा, तो आप ये सारा कुछ शेयर कर सकते हैं, आप एक वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे सेंड करें कुछ मिनट्स की, तो वो फिर हम जो है ना वो यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, ताकि सबको पता चले आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्टोरी। ओके, फोर क्लास, लेट वी हैव स्टार्टेड आवर वर्क, दिस इज़ लेसन नंबर 3, द मस्जिद ऑफ पाकिस्तान। स्टार्ट करते हैं, ऑल ऑफ़ यू हैव टू पिक अप योर पेंसिल्स इन योर हैंड्स to write down the difficult meanings of difficult words meaning, ठीक है जी। Pakistan is an Islamic state. One second. Pakistan एक इस्लामी रियासत है, state का मतलब लिख लें रियासत। All of you have to write the meanings of the difficult words, okay? स्टेट रियासत, पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, रियासत का मतलब होता है एक पूरी जगह, पूरी कौम, तो पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग, मेजॉरिटी पीपल आर मुस्लिम्स, तो इस्लामी रियासत है, इस्लाम वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। द पीपल PEOPLE पीपल लिविंग इन दिस कंट्री आर रिलीजियस माइंडेड, मजहबी जहन, माइंडेड जहन, रिलीजियस मजहबी, रिलीजियस का मतलब लिख लें मजहबी। वो कह रहे हैं कि इस मुल्क में रहने वाले लोग मजहबी जहन है, उनका मजहबी जहन है, या वो मजहबी जहन रखते हैं। दे आर वेरी फॉन्ड fond ऑफ बिल्डिंग मस्जिद इन ऑल ओवर द कंट्री,
फोंड का मतलब लिखें शौकीन, शीन वाशो काफ ये नून शौकीन। दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ, उनको वो बहुत शौक़ रखते हैं बिल्डिंग मस्जिद, मस्जिद तामीर करने में इन ऑल ओवर द कंट्री, पूरे मुल्क में, वो पूरे मुल्क में मस्जिदें तामीर करने का बहुत शौक़ रखते हैं। मस्जिद इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप, मस्जिद एक ऐसी जगह है ऑफ वर्शिप फॉर एवरी मुस्लिम, हर मुसलमान के लिए इबादत की जगह है। वर्शिप का मतलब लिखें इबादत, मस्जिद हर मुसलमान के लिए इबादत की जगह है। इट इज़ द हाउस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, ये अल्लाह ताला की का घर भी है। इट इज़ द हाउस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, ये अल्लाह ताला का घर है। जैसे कहा जाता ना कि मस्जिद अल्लाह का घर है, तो वही बात आ गई, इट इज़ द हाउस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला का घर है। अल्लाह आस्क्स टू कंस्ट्रक्ट मस्जिद्स एंड प्रॉमिसेस अ गुड रिवॉर्ड इन रिटर्न। अल्लाह ताला ने बताया, पूछा, आस्क मतलब अल्लाह ताला पूछता है या फरमाता है, टू कंस्ट्रक्ट मस्जिद, मस्जिदें तामीर करने के लिए, एंड प्रॉमिसेस और वादा किया है अ गुड रिवॉर्ड, एक अच्छे इनाम का इन रिटर्न, इसके बदले में अल्लाह ताला ने मस्जिदें तामीर करना करने को कहा है और या उसका हुक्म दिया है और इसके बदले में एक अच्छा इनाम इनाम का वादा किया है। प्रॉमिसेस का मतलब होता है वादा करना। It is a meeting place for us also. ये हमारे लिए एक इज्तिमा की जगह है कि यहाँ पर बैठकर हम कोई भी मज़हबी बातों पर या मज़हबी किसी भी मज़हबी मसले पर बात कर सकते हैं। We gather, हम इकट्ठे होते हैं यहाँ पर, here, यहाँ, 5 times a day, दिन में 3-5 दफ़ा, to offer our prayers, अपनी नमाज़ों को अदा करने के लिए। हम अपनी नमाज़ों को offer अदा करने के लिए यहाँ दिन में 5 दफ़ा जमा होते हैं। In this way, इसीलिए we are able to exchange our thoughts also, हम इस काबिल हैं कि हम अपने अपनी जितनी भी thoughts ख्यालात अपने ख्यालात को एक दूसरे के साथ बता सकें या उनका तबादला कर सकें। एक्सचेंज, तबादला। इन दिस वे, इसी वजह से वी आर एबल, हम इस काबिल हैं कि वो हम अपने ख्यालात का तबादला कर सकें। ठीक है जी, फोर क्लास ये थी आज की हमारी रीडिंग, मैंने आज आपको बस इतनी ही करवानी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगेन दूसरी रीडिंग करेंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट का, हम अपना वर्ड्स मीनिंग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए ऑल ऑफ़ यू हैव टू पिक अप योर कॉपीज ऑफ इंग्लिश ए दैट वाज गिवन टू यू बाय NPS। दिस इज़ योर नोटबुक ऑफ लोगो, इस पर आपका लोगो भी NPS का लगा हुआ है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्क ऑफ इंग्लिश ए। First of all, you are all have to draw the margin line. Margin line सबसे पहले लगाया करें, just because it looks very beautiful to draw the margin line over here, like this. Okay, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले आपको पेज रेडी करना होता है, तो फोर क्लास पेज रेडी करने का भी तरीक़ेकार आपको बहुत अच्छे से तरीके से पता है। आपने वहाँ पर लेसन का नंबर सबसे पहले लिखना होता है और उसके बाद लेसन नेम आ जाता है, देन डिटेल आ जाती है, और डिटेल में आपने लिखना होता है जो भी काम आप उस लेसन से मुतल्लिक करेंगे, लाइक वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस एंड क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज। ठीक है जी, सबसे पहले पेज रेडी करते हैं। यहाँ पर ऑल ऑफ़ यू हैव टू पिक अप योर पॉइंटर्स, here it is. So firstly, the name, lesson number 3, lesson number 3, and the name of the lesson is the Masjids of Pakistan. पाकिस्तान ठीक है, देन डिटेल, एंड इन डिटेल वी आर गोइंग टू राइट हियर विद योर पेंसिल्स द
like words meanings. Word sentences, question answers, and exercise. Okay, now first of all, write down the date and day on the top of your page. So today the date is 6th August. All of you have to write here. 6th. AUGUST, August, comma, 2020. At the middle of the page here it is the classwork. And at the right corner of the page the day, that is Thursday. Okay, topic, first of all we are going to write here the words meaning. So words meanings for class, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने जितने words meaning first page पे करने हैं उतने ही second page पे भी करने हैं. So let me tell you one thing, that how many words meaning we are going to done. One second, let me see this. This is a little bit confusion. Total 10 words meaning है हमारे जो कि हम करने जा रहे हैं. So 5 on the first page and 5 on the second page. 5 एक पेज पे होंगे और 5 दूसरे पेज पे होंगे. One, two, three, four, five. First two lines skip करके फिर ही बिल्कुल नीचे लिखे five lines लगाएंगे. Okay, लिखना start करते हैं. So our first word meaning is religious. Okay, let me tell you. All of you have to told me कि religious का मतलब क्या होता है. Religious, R E L I G I O U S, religious. And the meaning of religious is مذهبی. مذهبی. Next is Almighty, A-L-M-I-G-H-T-Y, Almighty. Taakatwar. Exchange. E-X-C-H-A-N-G is exchange, aaj hi padha hai humne. Tabadla. Minaret, M-I-N-A-R-E-T, Minaret, Minar, Courtyard, C-O-U-R-T, Court, Y-A-R-D, Yard, Courtyard, Sehen. Next page. Remind. Yaad dilana. Dome. Gumbad. चैंडलियर, या इसको कैंडलियर भी बोल सकते हैं, इसको चैंडलियर भी बोल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है. वैसे इसको कैंडलियर भी बोलते हैं. फानूस,
enhance, बढ़ाना, मुज़ेक, जुड़ाव का काम, मतलब बहुत ही नफीस काम, बारीक बारीक का काम। ठीक है जी, अगेन आपको एक दफ़ा पढ़ के सुना देती हूँ। रिलीजियस, मजहबी, अलमाइटी, ताकतवर, एक्सचेंज, तबादला, मिनारेट, मीनार, कोर्टयार्ड, सेहन, रिमाइंड, याद दिलाना, डोम, गुंबद, चैंडलियर, फानूस, इन्हांस, बढ़ाना, मोज़ेक, जड़ाव का काम। एंड लेट मी शेयर दिस वन एंडिंग लाइन, इट्स इम्पॉर्टेंट। और हर वर्ड के नीचे दो लाइन्स आपने लगानी होती हैं फोर क्लास, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जो कि आप सब जानते हैं। लाइक दिस, और आपका जो पेज होता है, जो पेज रेडी आप लोग करते हैं, उसमें बेसिकली आपने सारे वर्ड्स के नीचे डबल लाइन लगानी होती है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ द पैटर्न दैट वॉज गिवन टू यू बाई NPS, एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू फॉलो दिस पैटर्न। ओके, टिल देन नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।